देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद असलम खान ने अपनी गूंगी बहरी भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। उसने सोचा कि वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी, इसलिए 2 साल पहले घर में अकेला पाकर उसने अपनी ही भतीजी की आबरू लूट ली। साथ ही किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया तो चाचा की हिम्मत बढ़ गई। पिछले 2 साल में जब भी मौका पाता भतीजी के साथ दुष्कर्म करता। वैशाली नगर थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने उनकी 18 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की आबरू किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके चाचा ने लूटी है। जब पीड़िता को लगा कि चाचा की गंदी हरकतें नहीं रुकने वाली तो उसने अपने माता पिता को इशारों में और लिख कर सारी सच्चाई बताई। वैशाली नगर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मोहम्मद असलम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।